Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 6, Share Your Cookies. So sharing is always caring. Sharing is always caring. Okay, so sharing means to divide your things. Sharing yani ki आप जो चीज़ खा रहे हो उसे डिवाइड करना है, मतलब समझो आप अगर चॉकलेट खा रहे हो, आपकी अगर सिस्टर है, ब्रदर है, आपकी मम्मी डैडी है आपके साथ और आप खा रहे हो चॉकलेट, तो व्हाट विल यू डू? विल यू ईट अलोन और विल यू शेयर दैट विद एवरीवन हु इज़ प्रेजेंट देयर विद यू? आपको हमेशा कुछ भी खा रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपके पास जितना भी है उसका छोटे छोटे पीसेस करनी है, सभी को शेयर करना है और फिर खाना है. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड शेयरिंग इज़ केयरिंग. आप किसी की केयर करते हो, शेयर अगर कर रहे हो यानी कि आप केयर करते हो. आप शेयर नहीं कर रहे हो दैट मीन्स यू डू नॉट केयर अबाउट देम. आप आपके मम्मी पापा से प्यार करते हो, राइट? आप आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स, सभी से प्यार करते हो ना. जब आप जहाँ पर भी हो, आपके पास कुछ है या आपके साथ में कोई है तो उनको हमेशा आपको पूछना चाहिए, ओके? देने के लिए शेयर करना चाहिए. सो लेट्स सी इन द स्टोरी विल लर्न अबाउट द शेयरिंग एंड केयरिंग. सो टुडे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. सारा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग इंडोर गेम्स. क्या हुआ, एक दिन बारिश होते रहता है, उसके वजह से आउटडोर गेम्स खेलना पॉसिबल नहीं था. सारा देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में शेर सारा. तो सारा और उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे थे, इंडोर गेम्स खेल रहे. इंडोर यानी कि घर के अंदर, इंडोर गेम्स यानी कि घर के अंदर वाले गेम्स, आउटडोर यानी कि घर के बाहर वाले गेम्स. सो इंडोर गेम्स दे वर प्लेइंग. सो बाकी फ्रेंड्स थे मार्क, जो, लूसी एंड डेजी आर प्लेइंग द फेवरेट गेम्स टुगेदर. ये लोग क्या खेल रहे थे, उनका मनपसंद गेम खेल रहे थे, साथ में खेल रहे थे. कौन कौन? मार्क, जो, लूसी एंड डेजी. ये लोग अपना मनपसंद गेम खेल रहे थे. सो व्हाट हैपेंड, सारा इज सिटिंग अलोन इन द कॉर्नर एंड प्लेइंग विथ हर जिग्सॉ पजल. सारा जो है ना, सारा मैंने आपको दिखाया ये फोटो में, देख सकते हो बाकी सब लोग साथ में खेल रहे हैं, ये अकेले खेल रही है यहाँ पे. तो सारा जो है शी इज प्लेइंग अ जिग्सॉ पजल. वो यहाँ पे अकेली गेम खेल रही थी कॉर्नर में बैठ के. सो कैन आई हेल्प, सॉरी कैन आई प्ले विथ यू, आस्क लूसी टू सारा. लूसी क्या पूछती है सारा से कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ, कैन आई प्ले विथ यू? नो, रिप्लाइड सारा एज शी प्लेड विद द पजल. सारा क्या रिप्लाई करती है कि नहीं, तुम मेरे साथ मत खेलो क्योंकि मैं पजल खेल रही हूँ. बट शेयरिंग इज केयरिंग सेड लूसी. लूसी क्या बोलती है, लेकिन शेयरिंग करना तो केयरिंग होता है. वेल आई डोंट केयर सेड सारा टू लूसी. सारा क्या बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं केयर नहीं करती, ओके? सारा हैड अ बैड हैबिट ऑफ नॉट शेयरिंग अ थिंग्स विथ अदर्स. सारा को क्या बैड हैबिट था, क्या गंदी हैबिट थी उसे, कि उसकी जो चीज़ें थी वो किसी से शेयर नहीं करती थी. उसे उसकी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं था, चाहे फिर वो गेम्स हो या खाना हो, कुछ भी हो, वो अपनी चीज़ें खुद यूज़ करती थी और बाकी चीज़ें वो किसी से शेयर नहीं करती थी. शी डज नॉट शेयर हर टॉयज और लंच विथ हर फ्रेंड्स. शी डज नॉट शेयर हर टॉयज़ और लंच विथ हर फ्रेंड्स. वो उसके टॉयज़ भी शेयर नहीं करती थी, ना तो लंच शेयर करती थी, कुछ भी वो अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर नहीं करती थी. वो उसकी एक गंदी हैबिट थी, बैड हैबिट थी, ओके? सो नेक्स्ट डे मार्क ब्रॉट अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट चिप कुकीज. दूसरे दिन क्या होता है, मार्क ने अपने टिफिन बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट चिप्स कुकीज लाए थे फॉर एवरी वन इन द क्लास. उसने क्लास में जितने बच्चे सभी के लिए लेकर आया था. एवरी वन हैड वन, सभी को एक एक दिया. दे वर वेरी टेस्टी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था. सारा वॉज अबाउट टू टेक अ बाइट ऑफ हर कुकी बट शी एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड इट एंड इट फेल टू द ग्राउंड. क्या होता है, सारा वो खाने ही वाली होती है, एक बाइट उसका लेने ही वाली होती है, लेकिन
गलती से उसके हाथ से वो कुकी गिर जाता है और फिर वो उसे खा नहीं पाती है, वो जमीन पे गिर जाता है। इसीलिए उसके बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ओ नो शी क्राइड बिकॉज शी हैड जस्ट ड्रॉप्ड हर कुकी। वो फिर रोने लग जाती है कि उसने अपना कुकी को गिरा दिया। इसीलिए शी सैट इन अ कॉर्नर अलोन एंड सॉ एवरीवन एंजॉय देयर कुकीज। फिर अकेले कॉर्नर में बैठ जाती है और फिर देखती है कि सभी लोग मज़ा लेकर वो कुकी को खा रहे थे, सभी लोग ने एंजॉय किया, इसने तो अपना कुकी गिरा दिया ना। जो सॉ दैट सारा हैड लॉस्ट हर कुकी, जो ने क्या देखा कि सारा ने अपना कुकी गिरा दिया, उसने अपना कुकी खो दिया, अभी वो कुछ नहीं खा पाएगी क्योंकि एक ही दिया था ना। ही केम एंड सैट नेक्स्ट टू हर, जो ब्रोक हिज कुकी इन हाफ एंड गेव वन हाफ ऑफ इट टू सारा एंड स्माइल्ड। क्या होता है, वो आ जाता है और सारा के बगल में बैठ जाता है और फिर वो अपनी कुकी का हाफ करता है, टुकड़ा करता है। हाफ पार्ट वो किसको देता है, सारा को देता है, हाफ पार्ट खुद खाता है। बट इट इज़ योर कुकी, सेड सारा। सारा क्या बोलती है, लेकिन वो तो कुकी तुम्हारा है। आई नो, सेड जो, जो क्या बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, बट शेयरिंग इज केयरिंग, सो आई वॉन्ट टू गिव अ पार्ट ऑफ इट टू यू। वो बोलता है शेयरिंग है वो केयरिंग होता है। शेयरिंग यानी कि चीज़ें बांटी, उसे हमें उसे चिंता होती, केयरिंग होती है, राइट? तो बोलते हैं इसीलिए मुझे उसका थोड़ा सा पार्ट तुम्हें देना है खाने के लिए। सो थैंक यू, सेड सारा एज शी टुक अ बाइट ऑफ कुकी। क्या बोलती है, थैंक यू, सेड सारा एज शी टुक अ बाइट ऑफ कुकी। यू आर वेलकम, बट रिमेंबर दैट इट इज नाइस टू शेयर थिंग्स विद अदर्स बिकॉज इट इज द राइट एंड काइंड थिंग टू डू। क्या बोलता है, योर वेलकम, लेकिन हमेशा अपनी चीज़ें शेयर करना ये बहुत एक हम्बलता का साइन दर्शाता है। सो हू सेज दिस, जो बोलता है, ओ प्रोमिस टू शेयर माई थिंग्स फ्रॉम नाउ ऑन, सेड सारा। सारा क्या बोलती है, अब मैं ये प्रोमिस करती हूँ तुझे कि मैं अभी से मेरी चीज़ें, सारी चीज़ें तुम्हें सभी से शेयर करूँगी। आई विल फ्रॉम नाउ ऑन आई विल शेयर माई थिंग्स।